सब्सक्राइब कीजिए लिबा के घरेलू नुस्खे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए असरदार घरेलू नुस्खे और हेल्थ टिप्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लिबा के घरेलू नुस्खे। दोस्तों, आज हम आपको जो नुस्खा बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक नुस्खा ही नहीं बल्कि एक टेस्टी डिश भी है, जिसे बनाने में आपको थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी लेकिन स्वाद और फ़ायदों के बारे में इसका कोई जवाब नहीं। दोस्तों, आज हम आपको हेल्थ से जुड़े एक ऐसे प्रॉब्लम का नुस्खा बताने जा रहे हैं जो 6 महीने के बच्चे से लेकर 60 साल के बूढ़े तक को हो सकती है, और ये नुस्खा मेरा खुद का आजमाया हुआ है, जो कि मैंने इसे अपनी बेटी को इस्तेमाल कराया और अब उसे पैरों में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि 6 महीने से लेकर 5 साल तक का हर बच्चा कैल्शियम का सिरप पीता है, इसके बावजूद भी ज़्यादातर बच्चों में कैल्शियम की कमी पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और उन्हें अक्सर हाथों या पैरों में दर्द रहता है। अगर आपके बच्चे को भी डॉक्टर ने कैल्शियम का सिरप पीने को कहा है तो ये नुस्खा ज़रूर आजमाएं, और अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी अपने बच्चों को इस वीडियो में बताई जाने वाली डिश को ज़रूर खिलाएं। मुझे यकीन है कि अगर आप और आपके बच्चे इस डिश को एक बार खा लेंगे तो रोज़ाना खाने लगेंगे। तो दोस्तों, इस अनोखी डिश का नाम है चिकन के पंजे का सूप, जिसे आप बोन सूप भी कह सकते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मांस में उतना पोषण नहीं होता जितना कि उसकी हड्डियों में छुपा होता है। इस सूप को मुर्गी के पंजों को उबालकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। धीमी आंच पर पकाए जाने से इसमें कोलेजन, ग्लाइसिन, प्रोलाइन और ग्लूटामाइन आदि पदार्थ निकलते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। कोलेजन हमारे नाखून, त्वचा और बालों को खूबसूरत बनाता है, जबकि इस सूप में ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और अन्य तत्व पाए जाने की वजह से जोड़ों में मजबूती आती है और उनमें दर्द नहीं होता। साथ ही ये ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से भी बचाता है। इसमें पाया जाने वाला अमीनो एसिड दिमाग को तेज बनाता है और किसी भी काम में ध्यान को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें ढेर सारे मिनरल्स, विटामिन्स और अन्य तत्व पाए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जिससे आप हर बीमारी से बचे रहते हैं। साथ ही साथ इसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम होता है, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो वो इस कमी को पूरा कर देगा। अगर आप कमजोरी महसूस करते हैं तो इस सूप का सेवन करने से शरीर में तुरंत एनर्जी महसूस होगी। ये थकान को पूरी तरह से मिटा देता है और बीमार लोगों को एनर्जी देता है। तो दोस्तों, वैसे तो इस सूप के और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन हमने सिर्फ कुछ खास और बड़े फायदों के बारे में ही चर्चा की है। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस सूप को किस तरह से तैयार किया जाता है। मुर्गी के पंजों के सूप को बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी 20 से 25 मुर्गी के पंजे, आधा चम्मच तेल, 2 चम्मच अदरक लहसुन और जीरे का पेस्ट, 1 हरी मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 2 गिलास पानी। सबसे पहले मुर्गी के पंजों को कपड़ा धोने के ब्रश से अच्छी तरह से रगड़ के साफ करके धो लें। इसके बाद किसी बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दें। जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें मुर्गी के पंजों को डाल दें। 4-5 मिनट उबलने के बाद गैस को बंद कर दें, फिर सारे पंजों की स्किन को निकाल दें। ये काम पंजों के गर्म रहते ही कर लें तो बेहतर है, वरना स्किन निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम शुरुआत करते हैं इस रेसिपी को बनाने की। सबसे पहले एक गहरे बर्तन को धीमी आँच पर रखें, फिर बर्तन हल्का गर्म होने पर इसमें सबसे पहले आधा चम्मच तेल डालें, फिर 2 चम्मच अदरक लहसुन और जीरे का पेस्ट और 1 हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह चलाएं। फिर इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर और नमक डालकर थोड़ी देर भून लें। अब इसमें मुर्गी के पंजों को डालकर अच्छी तरह से भून लें। इसके बाद 2 गिलास पानी डालकर गैस को धीमी आँच पर रख कर 25 से 30 मिनट तक पकाएं। अब गैस को बंद कर दें और इस लजीज डिश को गर्मा गर्म खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। अगर आपके बच्चे को डॉक्टर ने कैल्शियम का सिरप पीने को कहा है तो हफ्ते में कम से कम 3 बार 3 महीने तक ज़रूर इस सूप का सेवन कराएं। आप यकीन जानिए, इस सूप को 6 महीने तक पीने के बाद आपके बच्चों में कैल्शियम की कमी ज़रूर दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। लाइक करें अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा। कमेंट करें अगर आपका कोई सजेशन या सवाल हो। शेयर करें दूसरों के साथ भी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन घरेलू नुस्खों का फ़ायदा उठा सकें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लिबा के घरेलू नुस्खे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो के लिए आपको सबसे पहले पता चले।